जहाँ तक इस घटना की बात है, मैं ये समझता हूँ ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी दलित, आदिवासी, गरीब, कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहाँ पर भी हो रहा है, और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के जहन में है कि दलितों के साथ अत्याचार कर आप बच नहीं सकते। अगर उस मानसिकता पर हम दबाव डालकर खत्म नहीं करेंगे तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। सरकार का, जनता का, हमारा, आपका विश्वास प्रतिपाल कायम रहना चाहिए। इनके जहन में पता होना चाहिए अगर कोई गलत काम हमसे करेगा तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब तक वो डर और वो कानून का एक जो डर होता है जहन में, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर इस प्रकार घटना होती रहेंगी। और हमें इसमें पूरा संकल्पित होना पड़ेगा। इसमें मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा जब भी किसी गरीब, दलित, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ है हम उसका दुख बांटने हमेशा गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस खुले माहौल में इस प्रकार का कोई दलितों के साथ अत्याचार कर सके, ऐसी हिम्मत किसी की ना हो, ये हमको प्रदर्शित करना पड़ेगा। और हम सब लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर लोगों का विश्वास जीता जाए, उनके मन में एक कॉन्फिडेंस कायम किया जाए कि इस प्रकार की हरकतों को, इस प्रकार के इंसिडेंट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज वो बच्चा चला गया है, वो वापस जिंदगी द्वारा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन उदाहरण बना सकते हैं उसको, परिवार को मदद करनी है, जो मुआवजा देना है, जो कार्रवाई करनी है। और यहाँ पर मुझे परिवार के साथी बता रहे हैं कि जब बच्चा वापस आया उसकी लाश, हाँ, तो लाश को रात के अंधेरे में यहाँ दफनाया गया है और पीड़ित परिवार के परिजनों पर लाठीचार्ज किया गया है। उस पर तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर, ईडीएम के ऊपर, जिसका कंप्लेन नाम लेके कह रहे हैं, जिसके जो मृतक के पिताजी हैं और दादाजी हैं, वो डिप्टी एसपी और एडीएम का नाम लेके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार वालों के ऊपर खदेड़ा गया, मोबाइल छीन लिए गए, डिटेन किया गया उनके दामाद को, लाठीचार्ज किया गया, इस प्रकार उनको चोटें लगी हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद जो रवैया रहा उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी को हटाया जाना चाहिए, जांच उठाई जानी चाहिए और उसको तुरंत हटाना चाहिए अगर परिजन ये डिमांड करते हैं। और आज भी ये लोग भय के माहौल में हैं, सरकार ने घोषणा करी है पूरी सुरक्षा दी जाएगी, पुलिस के माध्यम से चौकी लगाई जाएगी, लेकिन भविष्य में भी इनके जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इनका पूरा सुरक्षित रखने का बंदोबस्त करेगी। सर, एक तरफ अशोक गहलोत